सलाम राम राम सबको आज हम लोग सीरीज करने जा रहे हैं बेसिकली क्लैट की सीरीज में लॉजिकल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट फाइव मतलब पांचवें सेक्शन की बात होगी और इसमें आपको बात करनी है बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि पार्ट फाइव में और मैंने आपसे कल जिक्र किया था यस्टरडे वॉज द क्लास ऑफ पार्ट फोर क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट फोर अंडर द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इसका मतलब साफ है उसमें जो टॉपिक की बात करनी है द नेम ऑफ द टॉपिक इज बेसिकली एजम्पन एजम्पन की बात करनी है तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू नमस्कार तो हमें देखना गुड आफ्टरनून मोहम्मद आमिर निशा वर्मा जस्टिस स्वरा गुड आफ्टरनून विक्की गुड आफ्टरनून अवि गौतम वेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सुरेश राव एंड ऑल ऑफ यू तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे मैंने आपसे कहा कि लॉजिकल रीजनिंग में पांचवें सेक्शन में एजम्पन्स की बात होगी कल मैंने जिक्र किया था कि हम लोग एजम्पन को रिलेटेड सेक्शन को देखना है और उसी के भी आप पे हमें आगे बात करनी है तो आपसे गुजारिश है कि एजम्शन आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए वैलिड होगा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का हो लेकिन फिलहाल हम लोग क्लैट सीरीज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देखना है इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बात को समझें रिलेट करें और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इर्शाद खान गुड आफ्टरनून एंड यश गुड आफ्टरनून तो आपको ध्यान देना है कि सेक्शन क्या है चैप्टर क्या है और उसके भी आप पे हम कैसे रिलेट करेंगे ओके बिना देरी करते हुए हम लोग सेक्शन में अगले एजम्पन पे चलते हैं और को पूरी तरह से डिस्कस करते हैं सबसे पहली बात मैं आपको एजम्पन्स के संदर्भ में दो तीन बात बेसिक बात बताना चाहता हूँ कि एजम्पन्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर जैसे किसी भी बात को अगर हमें बात करनी है एजम्पन्स को रिलेट करने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि एजम्पन्स जो होता है बेसिकली दोस्तों एजम्पन ज़ विद इन द स्टेटमेंट और बिफोर द स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं पुर्वधारणा इसे हम पुर्वधारणा कहते हैं बट आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऐसे शब्दों के लिए क्योंकि आपको मेन जाना है कि assumption क्या होता है हिंदी से ज़्यादा मतलब ये होता है कि assumption होता क्या है और assumption को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एजम्पन्स में मैंने आपसे कल भी कहा था बेसिकली हम लोग करते हैं टू बी एज्यूम्ड पुर धारणा करना है और किसके बिहाफ पे करना है तो एज वी नो हम सभी जानते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेटमेंट कथन के आधार पे हमें पूर्व धारणा करना है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेटमेंट वी डिराइव द सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी आपको ध्यान देना है इस बात को लेकर कि हम स्टेटमेंट एजम्स को कैसे हम एज्यूम करते हैं और उसके बिहाफ पे हम बातचीत करते हैं सरोज पांडे इट इज बेसिक ऑब्वियसली अनडाउटेडली यूजफुल फॉर बी एच यू एल एल बी एंड ऑल द लॉ रिलेटेड एग्जामिशंस एंड राम राम विशाल विशाल जी एंड अखिल कुमार राम राम एग्जामपुर राम राम टू ऑल ऑफ यू कहने का मतलब साफ है कि जब भी आप एजम्शंस को रिलेट करना चाहते हैं और उसके आधार पर बातचीत करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हम एज्यूम कैसे करते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति स्टेटमेंट देता है कोई भी व्यक्ति अगर स्टेटमेंट देता है तो जानकारी ये होना चाहिए कि व्यक्ति मान लिया जाए ये कोई भी हो सकता है ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है मैंने कल भी आपको बोला था ये कोई भी हो सकता है चाहे वो सरकार के तौर पे हो गवर्नमेंट हो एनजीओ हो गैर सरकारी संगठन हो या कोई इंडिविजुअल हो इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पे हो या कोई संगठन या संस्था हो ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो संगठन या संस्था हो अब सवाल यह है यह सब के सब क्या करते हैं दोस्तों स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है एजम्पन उसी का होता है यह बात जानना जरूरी है कि दोज हु दोलीवर्ड द स्टेटमेंट दैट पर्सन और दोज द सेम स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन सिटुएशन फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर जो भी व्यक्ति कथन देता है पूर्वानुमान या पूर्वधारणा वही करता है और पूर्व धारणा करने का क्या संदर्भ है तो आप सबसे गुजारिश है कि कैसे करता है जैसे समवन सेज गांधी गांधी इज अ ग्रेट पर्सन गांधी इज अ ग्रेट पर्सन किसी ने कहा गांधी के बारे में महात्मा गांधी के बारे में कि गांधी इज अ ग्रेट पर्सन गांधी एक महान व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने एजम्शंस में, में मेंशन करा हुआ है कि गांधी डिड वेरी वेल गांधी डिड वेरी वेल गांधी ने अच्छा काम किया दैट्स वाई अबाउट गांधी इज अ ग्रेट पर्सन गांधी एक महान व्यक्ति है क्योंकि इज अ ग्रेट पर्सन गांधी वॉज अ ग्रेट पर्सन इज अ ग्रेट पर्सन देखें शब्द का कितना बड़ा क्योंकि गांधी अभी भी जिंदा है तो कहने का मतलब साफ है जब भी आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एजम्शन करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या स्टेटमेंट है और उसका एजम्शन कौन करेगा इसका मतलब है जो भी स्टेटमेंट देगा चाहे वो कोई भी हो एजम्पन वही करेगा दोस्तों चाहे वो सरकार के तौर पे हो एनजीओ हो या कोई व्यक्ति हो मैं हूं आप हो या कोई संगठन या संस्था हो इससे साफ जाहिर होता है कि दोज पर्सन और पर्सन डेलीवर द स्टेटमेंट दैट पर्सन और दोज पर्सन एज्यूम द सेम स्टेटमेंट ऑन द गिवन सिटुएशन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर जाओ एक ग्लास पानी लाओ इसका मतलब साफ है मेरा एजम्पन है कि वो पानी लाएगा वो पानी लाएगा मेरे बात कही हुई बातों को फॉलो करेगा अगर आपसे कोई गुजारिश करता है या कोई आपको डांटता है फटकारता है जैसे एक सिचुएशन है बहुत सारे एक एग्जाम एक में पूछा भी गया था एक कहती है बच्चे से डू नॉट मी आई विल स्लैप यू मुझे परेशान मत करो नहीं तो मारूंगी. मा बच्चे से कहती है. इसका मतलब है, किसका होगा, होगा माँ का और माँ क्या सोचेगी मेरे इस बात को कहने से बच्चा चुप हो जाएगा सरकार ने आपको याद होगा 2016 में सिक्स ऑफ नवंबर में डीमोनेटाइजेशन लाया था नोटबंदी हुई थी नोटबंदी होने का क्या रीजन था सरकार ने जब नोटबंदी की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था उसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब है सरकार का अनुमान था मेरे कही गई बातों को लोग मानेंगे लॉकडाउन आया लॉकडाउन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च को सरकार ने ऑल इंडिया लॉकडाउन की घोषणा की कि पूरे राष्ट्र में नेशन वाइड लॉकडाउन होगा इसका मतलब है सरकार के स्टेटमेंट देने के पीछे सरकार ने ऐसा स्टेटमेंट इसीलिए दिया क्योंकि सरकार का एजंक्शन है कि लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे मानेंगे और उसे प्रसीड करेंगे इसका मतलब साफ है कि सरकार ने अपने स्टेटमेंट को डिलीवर करने के पहले एजंक्शन दे दिया होगा पूर्वानुमान दे दिया होगा पूर्वधारणा कर लिया होगा इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति Statement देगा उसी का होगा अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं तो मेरा एजमशन होगा सरकार स्टेटमेंट देती है तो सरकार का एजम्पन होगा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन संगठन या संस्था अगर मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली में जाहिर सी बात है मैं दिल्ली में हूं अभी और आपको दिल्ली से ही ऑनलाइन लाइव क्लास आपको पास पहुंच रही है जहां जहां आप लोग होंगे इसका मतलब साफ है कि मेरा एजम्पन ये है अगर दिल्ली में हो दिल्ली में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब है मेरा होगा कि आप मुझे देखेंगे आप मुझे सुनेंगे और हम आपसे जुड़ेंगे हम लोग एग्जाम आपको जो डिलीवर है वो चीजें बताएंगे और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा ये मेरा एजेंशन है कि आप इसे फुलफिल करेंगे आप इसे फॉलो करोगे और अच्छी तरह से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को फॉलो करोगे ध्यान रखोगे इसका मतलब है जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन संगठन या व्यक्ति या संस्था स्टेटमेंट डिलीवर करता है एजम्पन उसी का होगा चाहे वो कोई भी हो इससे साफ जाहिर होता है कि माँ कहती है डू नॉट ट्रेवल मी आई विल स्लैप यू मुझे परेशान मत करो नहीं तो थप्पड़ मारूंगी इसका मतलब है माँ का एजम्पन होगा विद दिस वार्निंग चाइल्ड में स्टॉप ट्रॉबलिंग हर इस कहने से इस कहने भर से बच्चा शांत हो जाएगा वो अलग बात है कि बच्चा शांत हो या ना हो क्योंकि स्टेटमेंट माँ ने इसीलिए दिया क्योंकि मां को मालूम था मां का सोच था मां का स्पेकुलेशन था मां का अनुमान था मां का पूर्वानुमान था माँ का पूर्वधारणा था माँ ने एज्यूम कर लिया था कि ऐसा कहने से बच्चा चुप हो जाएगा तभी वो स्टेटमेंट माँ ने कहा माँ के द्वारा वो स्टेटमेंट बात इसलिए कही गई कि माँ को ये स्टेटमेंट इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इसके कहने से ऐसा कहने से माँ का एजम्शन है कि बच्चा चुप हो जाएगा वो अलग बात है कि फिर भी वह बच्चा कहने का मतलब यहाँ है वो कहने का मतलब साफ है हमें बताना पड़ता है वी हैव ओनली राइट टू

इसका मतलब साफ़ है जाहिर सी बात है अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं एडवर्टीज़मेंट देखते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च एडवर्टीजमेंट विज्ञापन पे किया गया इसका इसका मतलब साफ़ है कि जो भी कंपनियां, जो भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन विज्ञापन एडवर्टीजमेंट देती है तो उस इंस्टीट्यूट उस कंपनी का एजम्शन होता है कि ऐसा करने से लोग आएंगे और अट्रैक्ट होंगे और मेरे कहने का मतलब हमारा प्रोडक्ट बाय करेंगे और हमारे शॉप पे आएंगे ऐसा होता है उनका वो एजम्शन है तो कहने का मतलब साफ है इस बात को आप रिलेट करिए कि जो भी व्यक्ति स्टेटमेंट देगा एजम्शन उसी का होगा हम केवल करते क्या है हमारा काम है कि वो स्टेटमेंट दिए हुए व्यक्ति ने चाहे कोई भी दिया होगा अगर सरकार ने बोला तो आपको सरकार के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग कहना पड़ेगा कि ये एजम्पन इम्प्लीसीट है स्टेटमेंट के अंदर है नहीं जैसे जिस प्रकार से अगर ने डाटा इसका मतलब माँ का एजम्पन होगा बच्चा चुप हो जाएगा क्या बच्चे आमतौर पर नटखट होते हैं ये का time, का एट द द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा कि चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी बच्चा खास बच्चे के लिए मां का स्टेटमेंट था तो एजम्शन खास बच्चे के लिए ही होगा इससे एक और आपको एस्पेक्ट समझ में आती है अगर मैं कहता हूं अगर सरकार कहती है गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन ऑल द ड्राउट एफेक्टेड एरियाज़ अगर सरकार ऐसा स्टेटमेंट देती है तो सरकार का एजम्शन ये है कि सरकार का एजम्पन है कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड सरकार ने निर्णय लिया है कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भोजन आपूर्ति कार्यक्रम चलाए जाए जितने भी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं इसका मतलब है सरकार का एजम्पन होगा कि ऐसा करने से सरकार के पास इसके लिए मशीनरी है व्यवस्था है करने के लिए तभी ने सरकार ने निर्णय लिया है इसका मतलब साफ है कि जब भी कोई भी काम सरकार निर्णय लेती है तो इसका मतलब है सरकार के पास फंड भी होगा इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है सरकार कहती है कि कोविड नाइन्टीन जो कोरोना है इस बीमारी से बचने के लिए आप अपने घर में सुरक्षित रहें या बाय द वे अनलॉक जैसे अनलॉक हो गया है मतलब थर्टी फर्स्ट मे तक लॉकडाउन था अब अनलॉक फर्स्ट आया है इसका मतलब है सरकार अपने एडवर्टीजमेंट के तौर पे नोटिस के तौर पे सूचना दे रही है कि अपील कर रही है एडवर्टीजमेंट नोटिस अपील कह रही है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें तो कहने का मतलब साफ है ये एजम्शन जो है सरकार का है कि आप इस बात को फॉलो करेंगे वो अलग बात है फॉलो करें या ना करें तो साफ सीधे और सरल तरीके से समझ लें कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट देगा एजम्शन उसी का होगा पूर्वानुमान पूर्वधारणा स्पेकुलेशन उसी का होगा इससे साफ जाहिर होता है जैसे कि स्टेटमेंट को अनकही सी बातें होती है एजम्पन जो आप कह नहीं पाते जो आप बता नहीं पाते जो आप शेयर नहीं कर पाते लेकिन वो बात छिपी हुई है दैट इज हिडन पार्ट फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे जैसे एक मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी सवाल है फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने कहा स्टेटमेंट दिया कि नो यू कैन बाय अ न्यू कार या यू कैन बाय अ न्यू फ्लैट बाय अ न्यू कार ये बहुत साधारण से एग्जाम्पल है कि आपको समझ में आ जाए नाउ यू कैन बाय अ न्यू कार इन जस्ट रुपीस इन जस्ट रुपीज फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन ये एक विज्ञापन है यह एक एडवर्टीजमेंट है विज्ञापन है इसका मतलब है स्टेटमेंट देने वाला कोई कार कंपनी होगी ये एबीसी नाम की कोई कार कंपनी होगी कोई कार कंपनी होगी और उनका स्टेटमेंट है कि अब आप एक नई कार खरीद सकते हैं मात्र चार हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में इससे साफ पता चलता है कि अगर कोई एबीसी कार कंपनी है तो उसका एजम्शन यह होगा कि स्टेटमेंट देने के पीछे उनका होगा कि लोग लोग ज्यादातर कार खरीदने में सक्षम है मोस्ट ऑफ द पीपल आर एफर्ट टू बाय न्यू कार इसका मतलब है अगर मैं यहां पर लिखता हूं मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकांश लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैलिड तो हो, हो जाएगा क्योंकि आप जानते हो कार कंपनी ने एड इसीलिए दिया होगा क्योंकि कार कंपनी ने सर्वे किया होगा कि ज्यादातर लोग कार खरीदने में सक्षम है इसीलिए एड दिया होगा क्या अगर कार कंपनी कहती है कि लोग कार खरीदना नहीं चाहते क्या स्टेटमेंट देने के पीछे किसी भी कार कंपनी का या किसी भी एबीसी कंपनी का क्या एजम्शन होगा कि लोग कार खरीदना नहीं चाहते एड देने के पीछे विज्ञापन देने के पीछे क्या मंशा है क्या डिजायर है क्या स्पेकुलेशन है क्या अनुमान है किसी भी लोगों का या किसी भी इंडिविजुअल हो क्या ऑर्गेनाइजेशन उनका अनुमान है कि लोग यहां पे कैपेबल है डिमांड है इसीलिए विज्ञापन दी जाती है आप ही बता दो अभी गर्मी है समर है इसका मतलब है समर सीजन में क्या आप सुने हो कि इस तरह के एड आते हैं कि कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हॉट से रिलेटेड होते हैं एड लेकिन आपको कैसे ऐड मिलेंगे ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक मतलब कहने का मतलब इस तरह के जो भी आपके ड्रिंक्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके एड आपको ज्यादातर मिलेंगे लेकिन यही एड आपको विंटर सीजन में नहीं मिलता है इसका मतलब है कंपनी का एजम्शन है कि अभी डिमांड है इसीलिए वो ऐड देती इसीलिए वो विज्ञापन देती है इसीलिए आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना है आपको सोचना है स्टेटमेंट देने वाले के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट देगा एजम्शन उसी का होगा स्टेटमेंट जो देगा एजम्पन उसी का होगा ये मूल बात है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हम लोग आते हैं अब सवाल पे और आपको सवाल बनाते जाना है धीरे धीरे सवाल को डील करते जाना है सो स्टार्ट फाइंड आउट विच वन इज एम्प्लीसीड विच वन इज नॉट कौन सा एम्पलीसिट है फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू प्लीज कम टू द पॉइंट हमें बताना है कि कौन सा एजम्शन इम्प्लीट है और कौन सा नहीं ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दी गई है, है उसके आधार पे आपको सोचकर बताना है और ध्यान रखना है है आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, कि आप क्या सोचते हो जो स्टेटमेंट देने वाला है उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि उनका क्या अनुमान है क्या उनका क्या स्पेकुलेशन है उनका क्या एजम्पन है एजम्पन है और एजम्पन ऐसी बात होती है दोस्तों कि कोई कुछ कहता है लेकिन वो सारी बात नहीं कह पाता है जो सारी बात नहीं कह पाता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं एजम्पन जो सारी बात नहीं कह पाता है कुछ अनकही सी बात होती है मोस्ट ऑफ द पार्ट देर इज अ लॉट विच हीड दैट पार्ट मे बी कंसिडर्ड एज एन एजम्पन उसी को हम एजम्शन कहते हैं नाउ कम टू द पॉइंट फाइंड द आंसर विच वन इज इंप्लीसिट विच वन इज नॉट प्लीज प्लीज पता बताइए और बता दीजिए इनमें से कौन इंप्लीसीड है कौन नहीं दिस इज फॉर लॉ एग्जामिनेशन इट्स अ क्लैड सीरीज सो फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू द्लीज फाइंड आउट आंसर बताते जाइए क्या होगा स्टेटमेंट है म्यूजिक लविंग क्लब हैज अनाउन्स्ड अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स बाय द विजिटिंग म्यूजिशियन इट्स एन एडवर्टीजमेंट ये एक विज्ञापन है म्यूजिक लविंग क्लब हैज अनाउंसड कौन अनाउंस करा है म्यूजिक लविंग क्लब जाहिर सी बात है स्टेटमेंट देने वाला म्यूजिक लविंग क्लब है तो एजम्पन भी इसी का होगा किसका होगा म्यूजिक लविंग क्लब का अब उसके क्या एजम्पन होगा उसने अनाउंस करा है कि मोस्ट ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स बाय द विजिटिंग म्यूजिशियन ज्यादातर जो भी संगीतकार है वो आएंगे और आपके प्रोग्राम अनाउंस करा है उसने कि किसके आने के लिए विजिटिंग म्यूजिशियन तो ये एक विज्ञापन है जाहिर सी बात है आप जानते हैं इस तरह के विज्ञापन दिया जाता है कि आपने देखा होगा अलग अलग कोई भी कभी कोई कवि आता है आपके इलाके में या कोई गायक आता है संगीतकार आता है कोई एक्टर आता है इस तरह के विज्ञापन होते हैं तो यहाँ विज्ञापन देने वाला है म्यूजिक लविंग क्लब तो एजम्शन भी म्यूजिक लविंग क्लब का ही होगा

पूजा यदुवंशी बोथ जस्टिस स्वराब वन ट्रू पूजा मिश्रा सेकेंड विक्की कुमार फर्स्ट फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू एंड फर्स्ट वन विनय पांडे एंड विक्की कुमार ओके okay. टाइम विमल पाल ये टाइम जो है आपके रीजनिंग की क्लास की जो आपके लॉ का सीरीज है रीजनिंग की क्लास की टाइमिंग है टू पीएम और इंग्लिश की क्लास के टाइम है 8 एम सुबह आठ बजे इंग्लिश की क्लास होती है और रीजनिंग की क्लास होती है दोपहर दो बजे मतलब टू पी एम ये आपकी रेगुलर क्लास चलेगी लॉ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और उसी को ध्यान में रखा गया है खास तौर पे क्लैट की सीरीज़ है और सैमल्टेनियसली ऑल लॉ सीरीज के भी एग्ज़ाम के साथ ही साथ तैयारी शुरू होंगी लेकिन ये सीरीज आपका क्लैट है इट्स अ इट्स ऑल्सो यूजफुल फॉर ऑल लॉ एग्जाम्स सारे लॉ एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उसके लिए भी ये लाभदायक है आपके लिए मदद करेगा सो so, सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड टू गेट इंटरटेनमेंट थ्रू द प्रोग्राम ये वाला इम्प्लीसिट है फर्स्ट इम्प्लीसिट है क्योंकि म्यूजिक लविंग क्लब का एजम्पन है लेकिन लोग इंटरेस्टेड in हैं आप ही बता दो अनाउंस क्यों करा है क्योंकि वहां के क्यों लोग इंटरेस्टेड होंगे जाहिर सी बात है जब भी कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वहां उस इलाके को उस जगह को

एजम्पन म्यूजिक लविंग क्लब का होगा या नहीं बिल्कुल होगा दोनों का दोनों दोनों आपका होता है क्योंकि बिना उसके सोचे ये दो स्टेटमेंट नहीं दी जाएंगी वो दोनों बातें एज्यूम करा होगा कि ये आर्टिस्ट जो भी है विजिटिंग म्यूजिशियन वो एंटरटेन करेंगे लोगों का और वो अट्रैक्ट भी करेंगे ज्यादातर लोगों को आप ही बता दो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि कोई कलाकार आने वाला होता है उसकी उसकी फैन फॉलोइंग कम होती है तो उसको रिप्लेस करके दूसरे कलाकार को लाया जाता है जिससे फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है इसका मतलब है म्यूजिक लविंग क्लब या ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है किसी भी कलाकार को लाने के लिए कि यह कलाकार कितना इम्पैक्ट छोड़ेगा जनता के ऊपर कितना प्रभाव डालेगा जनता के ऊपर वह जनता जो आकर्षित होगी किसके आने से म्यूजिक लविंग क्लब जो अनाउंस करा है जितने भी विजिटिंग म्यूजिशियंस हैं उसके आने से तो अट्रैक्ट भी करेगा लोग एंटरटेन भी करेंगे ये एजम्पशन है म्यूजिक लविंग क्लब का तो दोनों के दोनों एजम्पशन आपका इम्प्लीसिट हो जाएगा इसलिए आंसर होगा बोथ वन एंड टू आर इम्प्लीसिट पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है इसी आधार पर आप अकॉर्डिंगली आप स्टेटमेंट और एजम्पशन को बताते हैं सो so प्लीज आप जितने भी लोग हैं मैंने आपसे कल भी बोला था एग्जामपुर लॉ स्कूल एग्जामपुर लॉ स्कूल है आपका एक स्पेशल लॉ के लिए चैनल बनाया गया है उसमें आपको शिफ्ट होना है उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है एग्जामपुर लॉ स्कूल वो प्रोसीड होगा आगे वो चैनल स्पेशली लॉ एग्जाम के लिए बनाया गया है जो भी व्यक्ति एग्जामपुर ऑफिशियल चैनल पे देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामपुर लॉ स्कूल में शिफ्ट हो और जो भी लॉ के लिए सीरियस है कैंडिडेट और प्रिपरेशन करना चाहते हैं लॉ एक ओपन प्लेटफॉर्म है इसमें कोई भी बंदिश नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो कोई भी व्यक्ति आके एग्जाम दे सकता है ना कोई एज बार है मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्लस टू मिनिमम क्वालिफिकेशन प्लस टू है मोस्ट ऑफ द लॉ एग्जाम्स इन इंडिया द बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्लस टू अगर आप पीजी हो एमए हो एमएससी हो तो कोई दिक्कत नहीं अगर लॉ में जाना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है और आपको अच्छी कहने का मतलब डायनेमिक चीजें हैं लॉ और जर्नलिज्म जो भी है यह डायनेमिक प्लेटफॉर्म है इसमें कुछ भी किया जा सकता है बस आपको दो तीन बात का ध्यान रखना है लॉ के एग्जाम में सबसे पहली बात मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इज वॉट आपका रीडिंग स्किल दूसरी बात है आपका साउंड होना किसी भी चीज को रीड करना प्रॉपर तरीके से आप अच्छी तरह से उसको डेफ्थ में समझते हैं इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूं एग्जामपुर लॉ स्कूल जो यूट्यूब चैनल है वो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे उस चैनल पे और एग्जामपुर में जो भी लोग अभी वॉच कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एग्जामपुर लॉ स्कूल में शिफ्ट हो जाए आगे चल के ये आपका प्रोसीड होगा एग्जामपुर लॉ स्कूल आपके स्पेशली लॉ के लिए ओके कम टू द नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का सही है प्लीज रिप्लाई सब रिप्लाई करिए इन दोनों प्रश्न का उत्तर सही आंसर आपने कर गा है और सब का है बोथ बोथ आर आर और नॉट अरुण पांडे प्रणाम एंड अभि गौतम थैंक यू विक्की कुमार रीजनिंग की क्लास कब से स्टार्ट होगा मैंने आपसे कह दिया कि रीजनिंग की क्लास 2 पीएम डेली आपकी क्लास होती है 2 पीएम दोपहर दो बजे इसलिए आप याद रखें और इंग्लिश की सुबह आठ बजे इसको ध्यान में रख के प्लीज टेल मी बोथ आर इंप्लीसिट जल्दी बताइए क्या दोनों इंप्लीसिट है ना बिल्कुल विक्की कुमार एन ऑल ऑफ यू थैंक यू पूजा यदुवंशी सही तो होना ही है क्यों नहीं होगा सही और इसमें आ, ऐसा कुछ खास नहीं है बस आपको एक सिंपल लॉजिक समझना है यस सर करेक्ट बोथ आर करेक्ट अभी गौतम थैंक यू नेशा यस सर माइन इज राइट थैंक यू पूजा यदुवंशी पूजा यदुवंशी चलिए आप डांस कर रही हैं ठीक है पूजा यदुवंशी यस सर एंड सौरभ कुमार सिंह यस बोथ आर इम्प्लीसिड अभी गौतम बोथ आर इम्प्लीसिड ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे द नेक्स्ट वन इज अगला प्रश्न है आपके सामने एंड फाइंड द आंसर प्लीज फाइंड आउट द आंसर वट विल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच वन इज इम्प्लीसिड विच वन इज नॉट प्लीज बताना आपको टीजमेंट so, एक विज्ञापन इफ यू वॉन्ट टू फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ एन आइडियल लीडर इफ यू वॉन्ट टू फॉलो द फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पद चिन्ह किसी को फॉलो करना किसी के पद पर चलना किसी के पद चिन्हों पर चलना किसी के मार्ग पर चलना कोई जैसे गांधी के मार्ग पे चलता है कोई भगत सिंह के मार्ग पे, कोई विवेकानंद जी के मार्ग पे चलता है तो अलग अलग मार्ग कोई बुद्ध के मार्ग पे चलता है तो उसे कहते हैं फुटप्रिंट्स इफ यू वांट यहाँ पे इफ एक कंडीशनल वर्ड है इफ यू वांट टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ एन आइडियल लीडर वी एक्स ब्रांड ऑफ शूज ये कहना चाहता है कि अगर आप आइडियल लीडर को फॉलो करना चाहते हैं तो किस प्रकार के जूते पहने

जिसने स्टेटमेंट दिया होगा जो विज्ञापन है वो ज्ञापन इसीलिए दिया गया है आप ही बता दो सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार ऐसे बड़े फेमस स्टार से एडवर्टीजमेंट विज्ञापन क्यों कराया जाता है इसलिए कराया जाता है चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो कहने का मतलब है चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो कैटरीना कैफ ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन बिपा शाह वासु, जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनसे ऐड कराने का यही रीज़न है कि लोग उसके फैन फॉलोइंग हैं अट्रैक्ट होंगे और वो सब आइडियल हैं वो फैन मतलब आइडियल लोग उसे मानते हैं अपना आदर्श जाहिर सी बात है विज्ञापन देने के पीछे उनका क्या मकसद है जो भी कंपनी ने विज्ञापन दिया होगा जो भी जूते की कंपनी ने जो भी है एक्स ब्रांड बोला एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता मोस्ट पीपल लाइक टू बिकम आइडियल लीडर्स अनडॉटेडली ये ये आपका implicit होगा तभी स्टेटमेंट कंपनी ने दिया क्योंकि ज्यादातर लोग आइडियल लीडर्स के फुटप्रिंट पे फॉलो करते हैं चलना चाहते हैं सेकेंड वन इज वन कांट बिकम आइडियल लीडर अनलेस वन वीर एक्स ब्रांड ऑफ शूज कोई व्यक्ति ये देखिए क्या बोल रहा है वन कांट बिकम कोई आइडियल लीडर नहीं बन सकता अनलेस जब तक कि वो एक्स ब्रांड का शूज ना पहने अनलेस एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है सेंटेंस में सेंटेंस में एक वाक्य में नेगेटिव जैसे यू कैन नॉट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि आप सफल नहीं हो सकते यदि आप मेहनत नहीं करें करेंगे तो कहने का मतलब साफ है उसी प्रकार से वन कांट कोई आइडियल लीडर नहीं बन सकता है जब तक वो एक्स ब्रांड का शूज ना पहने यहां पे ये कंपलसन है कभी भी कंपलसन इम्प्लीसीट नहीं हो सकता है तो ये एजम्पन आपका इम्प्लीसीट नहीं होगा क्योंकि ये कहना चाहता है क्या कंपनी ने ऐसा बोला कि कोई आइडियल लीडर नहीं बन सकता है अगर वो एक्स ब्रांड के जूते ना पहने जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी ऐड आते हैं कि न ऐसे भी तेल आपने एड सुना होगा ऑयल वगैरह का कि नवरतन तेल लगाएं आपको सर दर्द को गायब कर देगा जो भी है इस तरह के ऐड आपने सुना होगा इसका मतलब है क्या अगर हम नवरत्न तेल या फला फला तेल नहीं लगाते हैं मैं यहाँ पे बकायदा नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐड आते हैं चाहे वो हिमालय हो नवरत्न हो या किसी प्रकार का हिमगंगे हो किसी प्रकार के ऐसे ऑयल हो तेल हो या किसी भी प्रकार के क्रीम एंड लोशन हो तो ऐसे ऐड आते हैं तो कहने का मतलब है क्या उस ऑयल और उस लोशन को नहीं लगाया जाए तो क्या लोगों का सर दर्द ही रहेगा परेशान हो जाएंगे पागल हो जाएंगे ऐसी बात तो नहीं है इसका मतलब है देने वाले का मकसद ये है कि आप को फॉलो करते हैं इसलिए उसने ऐड दिया है लेकिन दूसरे में कंपल्सन है तो फर्स्ट इज इंप्लीसीड सेकेंड इज नॉट सेकंड इज फॉल्स पूजा यदुवंशी जस्टिस वर्मा फर्स्ट सेकेंड फॉल्स थैंक यू सो मच माई आंसर इज रॉन्ग विकी कुमार रीजन बता दीजिए और इसमें रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से माय आंसर इज माय आंसर राइट ट्रू ठीक है अभी गौतम सर माय आंसर करेक्ट थैंक यू थैंक यू सो मच नहीं ओके okay, नहीं मेडिस ठीक है आंसर करेक्ट है अभी गौतम शुक्रिया थैंक यू सो मच विमल पाल थैंक यू एंड अमित कुमार एंड ऑल ऑफ यू मैंने आपसे बोला कि एग्जामपुर लॉ स्कूल आपका ऑफिशियल बेसिकली चैनल है स्पेशली फॉर लॉ एग्जामिनेशन इसीलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक रीच करिए पहुंचाइए कहने का मतलब जो भी लॉ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसीलिए चलते हैं हम लोग ध्यान से देखें अगले प्रश्न में फर्स्ट फर्स्ट इसका आपका थर्ड ट्रू सेकेंड फॉल्स था नेक्स्ट वन इज प्लीज फाइंड आउट द आंसर जल्दी से आंसर बताइए प्लीज फाइंड आउट द आंसर व्हाट द आंसर आंसर क्या होगा आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है रेलवे ऑफिशियल्स हैव स्टार्टेड न्यू ट्रेन्स एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्टीन रनिंग ट्रेन्स फोर्टीन रनिंग ट्रेन्स मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है और नई ट्रेन की शुरुआत भी की जा रही है हैव स्टार्टेड किया जा चुका है परफेक्ट है ओके लीगल एप्टीट्यूड की क्लास होगी पूजा योदी थोड़ा वक्त लग रहा है इसलिए क्योंकि अभी प्रॉपर लॉकडाउन समाप्त भी नहीं हुआ वजह वो, वो भी है वन ऑफ द रीजंस है इसलिए क्लास आपकी शुरू हो जाएगी सादान इमाम Uh, मैंने बोला हुआ है पी को लेकर सीरियसली और अ सीरियस नोट बोला हुआ है आपको uh, मैं इतना बोल सकता हूं कि मंडे तक आपको पीडीएफ अपडेटेड मिल जाएगा मैंने बोल दिया है इसलिए आप बेफिक्र हैं ओके फर्स्ट वन इज़ इम्प्लीसिड ठीक है किसी का और कोई रिप्लाई प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू बोथ आर इम्प्लीसिड फर्स्ट वन इज इम्प्लीसिड पी पीयू सिंह बोथ आर पूजा यदवंशी फर्स्ट वन जस्टिस स्वरा सेकेंड इज इम्प्लिसिट निशा वर्मा बोथ एजेंशन आर इम्प्लिसिट और उसके बाद है ओके ओके साइड हो मैं प्लीज देख लीजिए आप गुड आफ्टरनून अरुण ठाकुर राम राम अरुण ठाकुर राबिया खातून गुड आफ्टरनून ऋषभ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू हेलो ब्रदर्स के ब्रदर्स ओके प्लीज फाइंड आउट द आंसर आंसर बताइए जल्दी से

और टू ऑल पैसेंजर्स आप ही बता दो ट्रेन नई शुरू हुई है क्यों शुरू हुई है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ट्रेन नहीं थे इसलिए नई ट्रेनें एग्जिस्टिंग ट्रेन आर नॉट जो ट्रेनें थी ना एग्जिस्टिंग मतलब जो है मौजूद वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है प्रोवाइड करने के लिए क्या एकोमोडेशन टू ऑल पैसेंजर्स तो फर्स्ट एम्पली होगा आप ही बता दो अगर आप कुछ सामान खरीदते हो कुछ भी बाजार से खाने पीने का सामान लाते इसका मतलब है पहले से हमारे सामान पर्याप्त नहीं थे एनफ नहीं थे इसलिए हम लोग बाहर से सामान कोई बाय करते हैं तो सरकार के पास भी रेलवे ऑफिसर्स के पास भी प्रॉपर ट्रेन नहीं थी इसलिए उन्होंने ट्रेन स्टार्ट करा है ये है द न्यू एंड एडिशनल ट्रेन वुड हैव वुड हैव सफिसियंट पैसेंजर सो दैट दे विल बी इकोनॉमिकली वेबल इसका मतलब है कि आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएंगे आर्थिक तौर पर एक तरह से आप कह सकते हैं पोटेंशियल एक तरह से बेहतर हो जाएंगे बेहतर हो जाएगा नए ट्रेन आ नई ट्रेनें आने से और ये सफिसियंट पैसेंजर्स को देगा ये सफिसियट पैसेंजर्स मिलेगा और उसके बिहार पे दे विल बी वो वो क्या हो जाएंगे दे किसके लिए यूज़ है बेसिकली रेलवे ऑफिसल्स के लिए वो क्या हो जाएंगे आर्थिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे क्योंकि उनको इकोनॉमिकली जो है बेनिफिट मिलेगा ट्रेनें आने से और यात्री की संख्या बढ़ रही है उससे फ़ायदा मिलेगा और अभी प्रॉपर जो पैसेंजर्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो बोथ आर इंप्लीसिट दोनों के दोनों इम्प्लीसिट हैं सो so, जिनका भी आंसर है वो बोथ आर इम्प्लीसिट होगा देर yes, आर टू आंसर यू थैंक यू एंड वाई नॉट इम सेकेंड वाई नॉट इंप्लीस सेकेंड भी इंप्लीसिट है विकी कुमार सेकेंड भी इंप्लीसिट है बोथ इंप्लीसिट है सौरभ कुमार सिंह शुक्रिया थैंक यू बोथ आर इंप्लीसिट है के एम टी ब्रदर्स आप जितने भी एग्जामपुर लॉ स्कूल है वहां पे आप जाके देख सकते हैं सारी चीजें हुई है एक एक बात बताई गई है आपके मंडे से क्लास जो शुरू हुई है उसके भी पे सारे लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स की डिस्कन डिस्कसन हुई है जो भी टॉपिक है तौर पे क्रिटिकल रीजनिंग आपके एग्जाम के लिए जरूरी है लॉजिकल रीजनिंग के दो हिस्से हैं आमतौर पर क्रिटिकल एंड अदर वन इज एनालिटिकल ओके तो दोनों के दोनों इम्प्लीसीट है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्लीज फाइंड आउट द आंसर जल्दी से आंसर बताइए आप लोग वट विल बी द आंसर उत्तर क्या होगा स्टेटमेंट आपके सामने वट विल बी द आंसर प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू सबका आंसर करेक्ट आ रहा है थैंक यू सो मच प्लीज जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए आप लोग और एग्जामपुर लॉ स्कूल आपके लिए बेहतर खास तौर एक एक सिलेबस और एक सीरीज लाया है आपके एग्ज़ाम को न्यू पैटर्न के बिहाब पे और आपके जो लॉ एग्ज़ाम है ख़ास तौर पे क्लैट एंड ऑल लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशनस के लिए इसीलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विनम्रतापूर्वक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें शुरू करूँगा और भी एक्साइटेड और भी अच्छी तरह से आपकी क्लास रेगुलर वे में तो चली रही है लॉ की क्लास भी शुरू होगी और जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसकी क्लास प्रोसीड होगी सो प्लीज़ फाइंड आउट द आंसर इनका आंसर क्या होगा Both are implicit, आपको सोचना पड़ेगा ऐसे सवाल में कि नहीं है. आप ही बता दो पूजा यदुवंशी एंडी कुमार अभी गौतम दोज पर्सन आर वॉचिंग मोहम्मद सज्जान एंड जस्टिस स्वरा बोथ आर नॉट इम्प्लीसिड बोथ आर इम्प्लीसिड नहीं है आप बता दो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ इज रिस इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ कंपनी ए इज ओनली अ गैम्बल एक जुए की तरह है. केवल एक जुए की तरह उनका इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है उनका जो इन्वेस्टमेंट है एक जुए की तरह है तो क्या होगा क्या होगा ये हिज की बात हो रहा है उसका थर्ड पर्सन की बात कह रहा है तो वो क्या होगा ही मे इनकर लॉस उनको लॉस होगा या क्या होगा उनको गेन होगा प्रॉफिट होगा किस पे इन्वेस्टमेंट पे तो जाहिर सी बात है ये भी डाउटफुल है ये भी डाउटफुल है इन दोनों में से एक सही होगा कह है सकते हैं आप इधर फर्स्ट और सेकेंड इज इम्प्लीसिट, इधर फर्स्ट और सेकेंड इज इम्प्लीसिट, इधर फर्स्ट और सेकेंड इज इम्प्लीसिट, या तो पहला या तो दूसरा अंतर निहित है तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप ही बता दो कोई भी एक जुए की तरह है, इस स्टेटमेंट देने वाला साफ कह रहा है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक केवल और केवल ओनली वर्ड यूज है केवल और केवल एक जुए की तरह है तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट देने वाला का एजम्पन है कि या तो उसे प्रॉफिट होगा या तो उसे लॉस होगा लेकिन इन दोनों में से एक बात तो पक्की है या तो प्रॉफिट या तो लॉस तो इन दोनों एजम्पन में से लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं जब आपका आंसर आता है इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज सो प्लीज बी केयरफुल फॉर द आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने पे इसलिए इसका जो आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकेंड इंप्लीसिट क्योंकि यू ऑल आर मिच्योर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वट डिड आई से सेट डी आई वॉन्ट टू से तो सबसे जरूरी बात है कि आपको जो भी सीरीज है उसको प्रॉपर तरीके से वॉच करके आपको देखना पड़ेगा इसलिए बी बिकूल आप ध्यान से कूल cool होकर पढ़िए कूल cool होकर देखें और कोई भी सवाल हो डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप सवाल ओके प्लीज मी कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है आगे मैं प्रोसीड करता हूं थैंक यू सो मच सेकेंड राजन सैनी एंड सेकेंड वन इज इम्प्लीसिट नो 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 इधर और क्या केस होगा प्लीज ब्रह्मदीन यादव यहां पे इधर और का केस होगा यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि एग्जामपुर लॉ स्कूल जो है उसमें जो भी एग्जामपुर ऑफिशियल चैनल पे आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्जाम्पुर लॉ स्कूल पे आके चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करके जुड़िए क्योंकि लॉ से रिलेटेड एग्जामपुर लॉ स्कूल ही आगे प्रोसीड होगा ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एग्जामपुर लॉ स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े कि जो लोग लॉ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम हो लॉ एग्ज़ाम कानूनी एग्जाम की तैयारी जो परीक्षा देना चाहते हैं वकील बनना चाहते हैं और भी अलग अलग प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं चाहे वो कॉरपोरेट के तौर पे हो कंपनी के तौर पे हो या खुद का बिजनेस तो लॉ तो बहुत डायनेमिक सेक्टर है बहुत बड़ा व्यापक सेक्टर है तो इसकी कोई समय सीमा कोई इसकी पैरिफेरी नहीं है ये बहुत ही मैं तब यूं कह सकते हैं एक ही लिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिट हमारे हिंदुस्तान में लेकिन अभी भी अच्छे इस तरह के जो प्रोफेशन है उसमें बहुत कम लोग आ पा रहे हैं संख्या तो है लेकिन संख्या कम है उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं इसीलिए ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले सवाल में प्लीज फाइंड आउट द आंसर इसका उत्तर क्या होगा बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द पार्टिकुलर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्लीज इसमें मेंशन है द रेगुलेटरी ऑथोरिटी हैज अप अ रिव्यू कमिटी टू फाइंड कट द रीजंस फॉर अनस्टेबल स्टॉक प्राइसेस अनस्टेबल स्टॉक प्राइसेस कौन सी अथॉरिटी है नियामक प्राधिकरण रेगुलेटरी ऑथोरिटी हैज सेटअप उसने सेटअप किया है कि रिव्यू कमिटी रिव्यू कमिटी किस बारे में पता करने के लिए जो भी कारण जिस कारण से अनस्टेबल स्टॉक प्राइसेस कट किए जा रहे हैं उस कारण के लिए एक कमेटी सेटअप किया आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई परेशानी होती है तो उसके लिए कमेटी सेटअप होती है कमेटी सेटअप होने से सरकार अपने पब्लिक अपने जनता का एक व्यू एक तरह से अट्रैक्ट करती है अगर वो परेशान है आपको मालूम है किसी भी तरह की सिचुएशन हिंदुस्तान में अगर परीक्षा को लेकर विरोध हो जैसे परीक्षा में एग्जामिनेशन में धांधली होती है चोरी होती है तो इसका मतलब लोग स्टूडेंट्स धरना देने लगते हैं सरकार और, सरकारी तंत्र, के लिए, कि सर, सरकार और सर, सरकारी तंत्र के गड़बड़ी के लिए तो कहने का मतलब है कि सरकार क्या करती है स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए उनके कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए पुनः से रीगेन करने के लिए विश्वास कायम करने के लिए कमिटी सेटअप कर देती है लो कमिटी जांच कर रही है तो इसका मतलब यह है कि रिव्यू कमिटी जो रेगुलेटरी ऑथोरिटी है उसने एक रिव्यू कमिटी सेटअप किया है क्यों कमिटी है? आपको मालूम है कि कमिटी क्यों सेटअप किया जाता है? कि जो भी जनता है जो भी अनस्टेबल स्टॉक प्राइसेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके कॉन्फिडेंस को रिगेन करना कॉन्फिडेंस को वापस लाना द इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर में रिगेन कॉन्फिडेंस उनके कॉन्फिडेंस को रिगेन किया जाएगा पुनः बढ़ाया जाएगा इन स्टॉक मार्केट बाय दिस डिसीजन तो ये प्रॉपर इंप्लीसिट होगा प्लीज टेल मी, पहला इंप्लीसिट है पहला इंप्लीसिट है ओके फर्स्ट इंप्लीसिट है फर्स्ट वन इज ट्रू पूजा फर्स्ट इंप्लीसिट म्यूजिक एमजी अभी गौतम बोथ आर इंप्लीसिट सेकेंड की भी बात कर लेते हैं रिव्यू कमिटी एक्सपर्टीज़ टू फाइंड आउट दॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट रिव्यू कमेटी ने क्या है प्रॉपर तरीके से विशेषज्ञ है, है क्या फाइंड आउट करने के लिए कॉज जो भी कारण है उनको फाइंड आउट करने के लिए जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है ना उसको कायम करने के लिए जो मार्केट में जो भी चीजें है वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट खासतौर पर जो उतार चढ़ाव है उनको रिव्यू कमेटी एक एक्सपर्टीज है एक्सपर्टीज का मतलब है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सेटअप रिव्यू कमेटी को किया है तो उनका एजम्पन क्या होगा एक्सपर्टीज ही लाएंगे तभी तो उसने ऐसा लाया है और लोगों का कॉन्फिडेंस रिगेन किया है ये रिव्यू कमेटी ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपको एज्यूम करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग नहीं क्योंकि स्टेटमेंट इसने दिया है तो एजम्पन भी इसी का होगा किसका नियामक प्राधिकरण का रेगुलेटरी ऑथॉरिटी का जो भी नियामक प्राधिकरण है तो वो एक्सपर्टीज भी है जो मार्केट में उतार चढ़ाव है उसको चेक करने के लिए और जो कॉन्फिडेंस रिगेन करेगा ये दोनों के दोनों एजम्स किसके द्वारा एज्यूम किया जाएगा जो भी प्राधिकरण है आर ए मतलब रेगुलेटरी ऑथोरिटी के द्वारा तो आपको ध्यान देना है इसी चीज को लेकर इस स्टेटमेंट को लेकर इसलिए बोथ आर इम्प्लीसिट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इम्प्लीसिड जस्टिस स्वरा बोथ इम्प्लिसिड यश थैंक यू सो मच सर न्यू पैटर्न क्रिटिकल रीजनिंग के लिए बुक बताइए देखिए कोई पार्टिकुलर बुक इसलिए नहीं है अभी मार्केट में क्योंकि सब ने क्या किया है जो कॉन्जोडियम आप क्लैट डॉट ए सी डॉट इन पे जब जाएंगे क्लैट डॉट ए सी डॉट इन पे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या वहां पे जो सैंपल पेपर है वो सैंपल पेपर हम लोग भी डिस्कस करेंगे उसका हम लोग पहले एक फाउंडेशन बना के और आपको याद रखना चाहिए कि न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न के अंदर है न्यू पैटर्न इज अ सबसेट ऑफ ओल्ड पैटर्न ओल्ड पैटर्न में ऐसा नहीं कि क्रिटिकल रीजनिंग पहले नहीं था पहले भी था इसने इस बार क्रिटिकल रीजनिंग का वेट इंक्रीज कर दिया है क्लैट 2020 में और उसने थोड़ा सा पैटर्न को डायनेमिक बना दिया है कि आप अब याद एक लाइन में दो लाइन में क्वेश्चन नहीं होंगे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोच कर आंसर करना पड़ेगा ये नहीं कि टू प्लस टू डिवाइडेड टू इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे क्वेश्चन होगा बहुत ही डायनेमिक किसी चीज़ को आपको पढ़ कर प्रॉपर पैसेज हो या अगर सिचुएशनल चीज़ें होंगी सिचुएशनल का मतलब है कि प्रॉपर डायनेमिक वे में उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वन लाइनर नहीं कि पढ़ा आपने आंसर किया इस तरह के क्वेश्चन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं इसीलिए ध्यान से देखिएगा तो मेरे मेरे कहने का मतलब यही है सर मेरे पास अरिहंत की बुक है एल एल वी एंट्रेंस की तो क्या ये बुक ठीक रहेगी बिल्कुल जो आपके पास बुक है पूजा यदुवंशी उस बुक में प्रीवियस पेपर भी होगा सब कुछ होगा उससे भी फॉलो कर सकते हैं और एग्जामपुर लॉ स्कूल जो है उसको अकॉर्डिंग भी आपको कहने का मतलब है जो भी चीज़ें हैं वो प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही बनती हैं प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके ही चीज़ें बनती है मैं आपको ना बहुत ज़्यादा टफ बताऊँगा ना बहुत ज़्यादा आसान एग्जाम का जो डिमांड है उसको फुलफिल करना फर्स्ट प्रायोरिटी है फर्स्ट पहली प्राथमिकता है आप सब मिच्योर हैं आप सब जानते हैं तो कहने का मतलब यह है कि इस बात को ध्यान रखिएगा और खास तौर पे आप सब से गुजारिश है इसीलिए तो दो पहला आपका क्या हो जाएगा और यह सेकंड भी आपका इम्प्लीसिट है दूसरा भी इम्प्लीसिट है बोथ आर इम्प्लीसिट तो ध्यान देने वाली बात है कि दोनों एक्सपर्टीज है कमिटी और दोनों साउंड है इस चीज को लेकर तो आप सबसे गुजारिश है एम जी जस्टिस स्वरा ओके अभी गौतम माई आंसर करेक्ट करेक्ट तो होना ही है और आप सब लोगों से फिर से गुजारिश है कि आप जो भी कंटेंट है जो भी चीजें हैं जो भी क्लासेस आपकी हो रही है उसको रेगुलर वे में फुलफिल करिए फॉलो करिए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस पेपर हम लोग और भी चीजों को लेकर एग्जाम जो न्यू पैटर्न है ये मैं बार बार बोल रहा हूं न्यू पैटर्न इज द सबसेट ऑफ ओल्ड वन ओल्ड का ही एक छोटा सा रूप है न्यू बस ये है आपको आमतौर पे जो स्टूडेंट्स को फोविया है ना वो पैसेज को पढ़ने को लेकर है कि वो पैसेज पढ़ना नहीं चाहते हैं बहुत लोग पढ़ते तो हैं समझ में नहीं आता है तो धीरे 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 हम लोग शॉर्ट पैसेज कर रहे हैं धीरे धीरे पैसेज को बढ़ाकर आपके लिए ही बेहतर करना है कहने का मतलब ये है कि बस आपको फुलफिल करना है फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से जो दो जो स्टूडेंट जो एग्जाम्पुर ऑफिशियल चैनल पर हैं वो एग्जाम्पुर लॉ स्कूल में आके एड हो जाइए जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए जो स्टूडेंट्स लॉ की प्रिपरेशन स्पेशली करना चाहते हैं एग्जामपुर लॉ स्कूल लेवल है आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरह से पुख्ता बनाने के लिए बेहतर बनाने के लिए तो आप सबसे शुक्रिया थैंक यू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एग्जामपुर और एग्जामपुर कलम से क्रांति और आपके लिए खास तौर पे फिर से पुनः स्वागत करता है और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और आज के लिए इतना ही मिलते हैं शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू एंड फिर से नमस्कार सलाम हेलो नमस्कार सलाम एंड राम राम टू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच धन्यवाद